बैठ तो हाँ मैं बैठ ही लेता हूँ, आ जा तू पहले बैठ ही ले, कोई नहीं बैठ 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 ना, उतार घर पे मेरे सामने, यही पे उतार रही हूं ना कपड़े, टेंशन मत ले, यही पे, तू तो यही चाह रहा है ना? मैं ये नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूं घर पे उतार, घर पे क्या करेगी उतार के, तू तो ये, तू तो क्या ही यही पे रहना कि यही पे उतारने का मतलब, यही ड्रामे दिखाने हैं यहां पे, क्या मेरे को डर नहीं है, यहां पे क्या ड्रामे करने हैं, कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो गाइज आज कोई प्रैंक वीडियो नहीं होने वाली, ये एक रियल बेस स्टोरी होने वाली है। स्टोरी तो क्या है, अब मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या था एक्चुअल में। अभी चार दिन पहले मेरे को एक इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने बताया कि यार इस पार्क में कल है वो बहुत ज़्यादा लड़कियों को, स्कूल गोइंग लड़कियों को परेशान करता है। तो मैंने उनको बोला कि ये कौन सी लोकेशन है, क्योंकि अगर दिल्ली में होगा तो मैं हिडन कैमरा सेट कर सकती हूँ, अगर दिल्ली से बाहर है तो मैं इतना बड़ा रिस्क लेके यार अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाने वाली, ठीक है। तो उन्होंने बोला रिट्स दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वहाँ पे गर्ल्स जाती है ना, स्कूल गोइंग गर्ल्स, तो उनको ना एक बहलाना फुसलाना होता है ना, वो ऐसे कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि मेरे साथ चल, जो लड़की फंस जाती है तो फंस जाती है, ठीक है। और माँ बाप भी लड़की के सोचते हैं कि लड़की की बदनामी होगी, इसलिए वो आगे कोई स्टेप नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं लेते। तो आज हम यही करने वाले हैं, रियल चीज़ होने वाली है, क्या होने वाला है वीडियो में मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने आज जो गेटअप क्रिएट किया वो किया है एक स्कूल गोइंग बच्ची का। तो मैं आज बनी हूँ एक स्कूल गोइंग बच्ची, मैं एक स्कूल में स्टडी करती हूँ, और आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली उस अंकल पे जो लड़कियों को छेड़ते हैं। तो आज देखते हैं कि कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ऐसा है या नहीं है, क्योंकि यार बहुत सारी लड़कियों को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल आप देख रहे हो कितने ज़्यादा कांड हो रहे हैं, दिल्ली में कितना क्राइम है, हाँ दिल्ली सेफ भी है लेकिन क्राइम भी कितना आप देख सकते हो। तो हम लोग बस इसमें एक गर्ल्स को अवेयर करना चाहते हैं कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब आप थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि मैं आज उसी बंदे को यहाँ पे सर्च करने आई हूँ, जैसे वो बंदा मिलता है फिर हम लोग उसके पास जाएंगे, क्योंकि वीडियो बनानी बहुत रिस्की हो सकती है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इस वीडियो के लिए, बिकॉज ऑफ वो बंदा गलत है, अगर वो टच वच करेगा यहाँ वहाँ करेगा तो देखेंगे क्या होगा, आप बने रहो देखते क्या होता। बंदा तो मिल गया, कन्फर्मेशन भी ले लिया है, सामने ही बैठा है मेरे, और देखते क्या करने वाला रिएक्ट। उस लड़की का मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उसको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो जाएगी, उसने मना किया था कि दी प्लीज़ मेरा नाम मत लेना वीडियो में, बस आप एक्सपेरिमेंट करना, उस बंदे को एक्सपोज करना ताकि हम लोग सेफली पार्क में घूम पाए। तो सामने ही है बंदा, चलते हैं, और उसने बोला था कि मतलब तेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आके कोशिश करेगा तेरे सेफ होने की, लेट्स सी। अंकल बैठ जाओ, मैं यहाँ पे लोग अंकल बेटा, आपको तो मैंने देखा हुआ, आपके पापा के साथ एक दो बार आए हो ना, आपके पापा लेने आते तो मैं साथ में तो रहता हूँ। कब अंकल, मेरे को नहीं पता। अरे आपके पापा लेने आते ना तो आप वो आज नहीं आ पाएंगे, मेरे को बता दिया था। नहीं पापा ने मुझे बोला था, मतलब टीचर को इन्फॉर्म कर दिया था, थोड़ा सा लेट हो जाएगी। तो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, आपको घर सेफ छोड़ दूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे मैंने आपको पापा के साथ नहीं देखा अंकल। आप ध्यान, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हो, मुझे पता है अच्छे नंबर ले गया तो इतने तो आपको, मेरे को आपने देखा ही नहीं है, दो तीन बार मैं आया हूँ पर मैं चला गया हूँ, आपके पापा साथ में तो काम करते हैं हमारे। मेरे पापा के फ्रेंड हो? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हमारे ऑफिस में तो साथ ही तो काम करते हैं, पर आज वो ना किसी मीटिंग के सिलसिले में दूर गए हैं तो वो नहीं आ पाएंगे, उन्होंने कह दिया था ध्यान रखना, फ़ोन भी उनका साइलेंट पे है, देखूंगा अगर मैं कॉल कराने की कोशिश करूंगा, पर तो आप यहाँ पर फिर छोड़ देता हूँ कहाँ पर कुछ नहीं है। अंकल पापा ने बोला था आप इसी पार्क में वेट कर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बोल दिया था, पर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे मैं क्या कॉल वॉल करूंगा, चलो छोड़ो उनको भी डिस्टर्ब हो, तो कहता ध्यान रखना भाई, अपने मेरे भाई समझते मेरे को, वो बोला कि ध्यान रखना घर पे टाइम से छोड़ देना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, दिक्कत क्यों, आप खाओ खाओ कोई नहीं, घबरा किस ले रहे हो आप, कोई दिक्कत। अंकल नहीं पापा ने बोला था कि पार्क में ही वेट करना, आप मत जाना इधर उधर कहीं भी, तो फिर पापा आएगा तो मैं उनके साथ चले जाऊंगी। बेटा मैं पापा जैसे ही हूँ, मेरे में अंकल आप मुझे पापा ही समझो, जब साथ में रहता हूँ ना मैं तो जैसे रिश्तेदार रिलेशन होता है ना, रिश्तेदार होता है, मैं रिश्तेदार ही हूँ। देखो खा के देखो नहीं, अंकल आप खा। अरे झूठा खाने से प्यार ही होता है बेटा, आप एक हम आप मेरे बेटे जैसे, तो मैं आप मैंने आपका झूठा खाया आपने खाया की तो बात है, प्यार ही तो बढ़ता है। चलो चलो आप नाराज हो रहे, कोई नहीं मत खाओ बस, और बताओ कैसे यहाँ पर क्या घूम रहे हो? नहीं अंकल आज स्कूल का जल्दी हो गया था ना, सेकंड सैटरडे है तो फिर इसलिए पापा ने बोला था। हाँ अपने रहते ना। हाँ कोई नहीं, तो कोई नहीं घर छोड़ देता हूँ मैं, आ जाओ। नहीं नहीं घर में कोई, मैं गाड़ी यहीं पार्किंग में लगाई है मैंने, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा धूप भी है ना,
मौसम ठीक है, थोड़ा धूप है, सेक लेते हैं, फिर इसे आपने मैंने तो बात ही कर, अब बैठे तो बात ही कर लेते हैं थोड़ा। नहीं अंकल, पापा ने बोला था कि अभी थोड़ी देर में आके मुझे ले जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, पापा अब पापा वापा मत करो, मैं आपको छोड़ दूंगा, उनको काम करने दो। पापा ने बोला था ना, बैठो बैठो सुनो, पापा ने बोला था कि यहीं पे रुकना ना, कहीं जाना मत। सुनो, कहीं नहीं जाना, वो मैं घर पे छोड़ के जाऊंगा और आराम से आपको सेफ छोड़ूंगा, पापा से बात करूंगा, मम्मी से, मम्मी भी आपकी गई हुई है काम से। मेरे को आपको कैसे पता मेरी मम्मी काम पे गई हुई है? मेरे को सारा पता है, मैं आपकी फैमिली का पूरा बहुत बार मिला हूँ। आप अपने काम से खाली पढ़ाई पे ध्यान देते हो, ट्यूशन जाते हो, आपको नहीं पता, पर मैं आपके पास सब जानता हूँ। मैं आपको क्या मिलता, और चुटिया तो इतनी अच्छी बना रखी है आपने। चलो मैं अपने घर पे, चलो बाल है ना आपको अच्छे, बना बाल सही पे, सही बाल बनाना सिखाऊंगा आपको। जुड़ा आप बैठ, आप जाओ, मैं पापा का वेट कर लेती हूं, पापा आएंगे तो मैं चली जाऊं। तो बेटा मैं भी तो पापा जैसा हूं, मेरे को आप मुझे अपना, पापा ने मुझे बताया ना आपके बारे में कभी भी, ना ही मैंने आपको पापा के साथ कभी देखा है, इसीलिए। क्या समझ नहीं रहे आप, क्या समझ नहीं रहे बच्चे, क्या आपको ऐसे कैसे, आपके डिसिप्लिन का कोई नाम की चीज नहीं है क्या, आपको क्या समझ नहीं आ रहा मैं इतनी देर से आपको कह रहा हूँ, क्यों नहीं समझ रहे आप? आप इधर सुनो, इधर बैठो, सही से बैठो थोड़ा। अंकल हाथ मत लगाओ, मैं आप मुझे लग रहा थोड़ा तबीयत आपकी सही है, थोड़े कंफर्टेबल नहीं लग रहे कोई। देखो अंकल तबीयत ठीक है, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा ना, देखो नर्वस हो रहे, बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे, क्यों? मैडम ने, टीचर ने कुछ कहा? टीचर ने डांटा? कोई बात नहीं, घर पे जाके होमवर्क कर लेना टाइम से, मुझे पता है आप नहीं कुछ किया होगा, टीचर ने डांट दिया होगा, मारा होगा, तो आपको ऐसे उदास हो रहे हो, उदास थोड़े ना होते। आपको मूवी दिखा के लाऊं? चलो मूड आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा बच्चे, एकदम बढ़िया। खिलौने कहोगे खिलौने भी खिलाऊंगा, चॉकलेट है मेरी गाड़ी में, चॉकलेट रखी है बहुत, आपको पसंद है ना चॉकलेट, ओरियो वाली पसंद है ना, डेयरी मिल्क। आप रोज आते हो? हाँ रोज आता हूँ, मैं तो घूमता था। मेरे को पापा के साथ कभी दिखाई नहीं। तो मैं बेटा, मेरी सोसाइटी और भी अंकल है ना, मैं काफी, मैं तो सबको जानता हूँ, उनके बच्चे जैसे कई लेट हो जाते हैं, तो मेरे को अपना समझ के कि भैया भाई जो अपने वो मेरी लड़की है ना, उसको छोड़ देना, कोई मैं तो घर छोड़ देता हूँ। और कितने कभी आज तक शिकायत नहीं आई आपको पता ही नहीं, अगर देखो शिकायत आती तो आपको पता नहीं चलता, आप बैठते मेरे साथ, आपने पहचाना नहीं है, पर जब मेरे साथ चलोगे ना तो मैं चली जाऊंगी ना, मैंने बोल दिया। पापा को डिस्टर्ब नहीं करते, पापा किसके लिए कमा रहे हैं? पापा आपके लिए कमा रहे हैं ना, हमारे लिए कमा रहे हैं ना, मेरे को बता देते हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो नुकसान थोड़ी ना चाहेंगे। वो कह रहे थे मैं मीटिंग के सिलसिले में जा रहा हूँ, कोई बड़ा टेंडर लेना, तो वो है, सब बात बता देंगे ना, कोई बात नहीं। पापा आएंगे तो अंकल आप पकड़ के रहे मेरा हाथ। अरे बेटे मैं आपका अंकल जैसा मतलब हाथ नहीं पकड़ू आपका, तो घर पे मैं आपको घर पे आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, पापा ने बोला था आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, सेकंड सैटरडे है तो पार्क में क्या सोचेगा? आप तो ऐसे कर रहे हो बिहेव जैसे मुझे अनजान समझो, अपना समझो, वो देखेगा कि कैसे ले जा रहा है, कोई गलत समझता है। आपको पता है आजकल दिल्ली का माहौल कितना गलत है, कोई ये सोचेगा कोई जबरदस्ती कर रहा है, मैं आपको अपना समझ के, बच्चे हो ना मेरे, तो घर चलो ना, एक काम करते सुनो, आप अपने घर मत चलो, मेरे घर चलो, आपको बढ़िया से जो भी कहोगे खाना, मैगी खाते हो ना, कोई जो कहोगे मैं खाना भी मंगा के दूंगा, अच्छे से खिलौने दूंगा, चॉकलेट भी मेरे पास रखी है बहुत, और आपको ना वो तो कपड़े दिलाऊंगा ना, आप मेरे सामने कपड़े भी चेंज कर लेना। मैं अंकल क्या बोल रहे हो आप, बोल रहे हो पापा जैसे हो, फिर आप बोल रहे हो कपड़े चेंज कर लेना, तो क्या हो गया? बच्चे माँ बाप के सामने, तो बच्चे माँ बाप के सामने बच्चे रहते हैं, आप गलत बातें कर रहे हो। गलत नहीं कर रहा बेटा, ये चीज़ तो गलत नहीं होती। अब क्या गलत है, आप अपने सामने मतलब मम्मी पापा के सामने कपड़े चेंज नहीं करते कभी? अभी छोटे हो, इतने बड़े नहीं हुए कभी कि अपनी जिम्मेदारी खुद करोगे, हमें भी तो देखना पड़ता है ना। और मैं अगर आपको कपड़े मैं अपने हाथ से पहना दूंगा, कोई बात नहीं अंकल, मत करो ऐसे। अच्छे जो आपको सुनो तो वहाँ कहाँ जाए बेटे, तो दूसरे कोई आप किसी और को आना अपने साथ लेके चला जाएगा, कितना माहौल खराब है। आपको पता है कोई भी बाइक वाला कोई भी कहेगा मैं आपके घर से आया हूँ और आप ऐसे चले जाओगे, मैं आपको घर छोड़ूंगा। बैठो एक बार बैठो, मैं आपको अंकल आप बैठ जाओ या मेरे को जाने दो। हाँ तो साथ बैठेंगे ना, आप बैठ जाओ ना, मेरे को जाने दो ना। सुनो, सुनो, मेरी बात सुनो, मैं चली जाऊंगी अपने आप। अंकल मेरे को घर का पता है, सुनो मैं इतनी, मेरी बात सुनो, प्यार से तो आप मान ही नहीं रहे, अब मैं जबरदस्ती करूँ अच्छा रहेगा क्या? अब यहाँ पे ये बताओ, मैं आपका अंकल हूँ इसलिए मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, फिर भी आप समझ ही नहीं रहे बात को। मेरे पापा आए कि मैं चली जाऊंगी अंकल। अरे यार नहीं समझ आ रही तेरे को बात, अंकल आप बदतमीजी भी कर रहे हो साथ में। तो मैं कितनी देर से मैं आपको आप कर रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे। मैं आपको कह रहा हूँ चॉकलेट दिलाऊंगा, आपकी मनपसंद चॉकलेट है ना ओरियो वाली, मेरी गाड़ी में भी रखी है, आप जो कहोगे ना कपड़े भी, मैं कपड़े भी आपको दिलाऊंगा। अंकल मुझे नहीं खाना चॉकलेट, कुछ भी नहीं खाना। क्या करोगे ऐसे, ऐसे जाओगे रोते हुए घर जाओगे? कोई सोचेगा पता नहीं क्या हो गया, इसलिए रोने से शक्ल बना रखी, उदास हो रहे हो, मैं आपको खुश होकर ले जा रहा हूं। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं जाना, जब मैं अपने आप चली जाऊंगी घर पे, मुझे मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। अब मैं फिर आप करोगे मैं तू तड़क पे आ जाऊंगा? मैं जबरदस्ती कब मैंने करी है अंकल? आप गलत क्यों बोल रहे हो, जाओ ना आप यहाँ से, मतलब अंकल मैं किसी को बोल दूंगी। अच्छा, आप परेशान कर रहे हो मुझे, कोई नहीं समझेगा। मैं यहाँ पर सबको पता है, मैं सबको बहुत बच्चों को घर पे छोड़ के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई। जो ज्यादा होशियारी दिखाएगी ना यहाँ सब कोई नहीं है, सब मेरे को जानते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूँ तो प्यार से घर छोड़ रहा हूँ ना। अंकल बदतमीजी मत करो, जाओ यार। बदतमीजी नहीं है, मैंने छोड़ते क्यों नहीं हो मेरा हाथ? आप ऐसे कोई भी ले जाएगा, हम नहीं छोड़, मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे को, अब मैं आपको नहीं जानती, मेरे पापा नहीं जानते आपको। मेरे पापा जब देख के बोलेंगे तब मैं आपको मानूंगी, मेरे पापा के दोस्त हो आप। तो पापा के जो घर ले जाऊंगा तभी तो देखेंगे ना, उनका भी वो अपने ऑफिस के काम से गए हुए, तो समझ क्यों नहीं रहे बताओ। मैं अच्छे कपड़े दिलाऊंगा, अच्छे वाले, स्कर्ट चाहिए कौन से, बढ़िया चाहिए, जो कहोगे अच्छी ड्रेस दिलाऊंगा मैं, कपड़े भी अपने हाथ से पहना दूंगा आपको। फिर अंकल बदतमीज मत करो। अरे मैंने देखा, करो बदतमीज। सुनो, मैंने जब आपको पापा के साथ देखा ना, तो मैंने बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, मैं इसलिए मैं आपको घर छोड़ूंगा ना, चॉकलेट भी दिलाऊंगा, कपड़े। बेटी जैसी हो, कैसी बात कर रहे हो मुझसे? तो बेटी जैसी, जब भी तो बेटी का फर्ज निभा रहा हूँ, सुन ही नहीं रही पता, जब से मैं बोल रहा हूँ मान जा बात ही नहीं सुन रही, और मैं अभी कुछ जबरदस्ती पे आकर फिर बदतमीजी मत करो, तो बोल रही है। इधर सुन मेरी बात से, कोई जबरदस्ती नहीं है, कपड़े दिला दूंगा, कुछ खाने का वो कर दूंगा, ऐसे करेगी ना कोई नहीं समझेगा, आराम से मैं बोलता हूँ, प्यार से मेरे साथ चल, कोई बात नहीं। तेरे क्या क्या चीज की कमी है? कोई चीज कमी छोड़ूंगा, बिल्कुल बाल वाल बनाऊंगा तेरे सबसे, मैं तेरे को अच्छे से कपड़े पहनाऊंगा, खाने को दे रहा हूँ सब, और रील बनाएंगे ना मेरे को, मेरी इच्छा है मैं तेरे साथ ना वीडियो बनाऊंगा एक छोटी सी, घर पे चलते आराम से, कोई कुछ खा पी के आराम भी कर लेंगे, कोई नहीं, थकी भी लग रही है मेरे को, लग रहा सुबह ना ज़्यादा काम स्कूल में, ज़्यादा मैडम ने कुछ मारा है, ज़्यादा काम दे दिया, आराम से मेरे घर पे आराम कर लियो, कोई नहीं बेटे। अब तो मैं, अब क्या, अब आपा बोल रहे जब भी नहीं समझ रही, तू बोल रहा जब भी नहीं समझ रही, मैं अपने घर ले जाऊँगा ना। अब तेरे पापा तो लेट आएंगे, मम्मी भी लेट आएंगे, उन्होंने बोल दिया था कि अगर है ना लेट हो रहा हो ना, अपने घर पे खाना वाना खिला के आराम कराना, वो खुद लेने आ जाएंगे, मेरे को कॉल कर देंगे, मैं बात करा दूंगा, ठीक है ना आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना बात, अब तो गुस्सा नहीं ना, अब मेरे घर पे चल, अगर मूवी देखनी है, कोई शॉपिंग करानी है तो पहले वहां चलते, ठीक है? सही है, अब तो गले लग जा, अब तो सही है अंकल। तो और कैसे करूँ फिर? कहाँ लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? तमीज है, मतलब बड़ों से ऐसे बात करते, कहाँ लेके जाएगा? तेरे को तमीज है? तेरे को तमीज? मैं बड़ा उम्र में कितना बड़ा हूँ, मैं तू तड़ा कर सकता हूँ, जब बच्चा नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? तेरे को तमीज है क्या ये बता तू पहले, तो तमीज बता पहले। अरे अभी भी बोल रही हूँ, मतलब बोल रही हूँ, स्कूल में यही सिखाते तेरे को डिसिप्लिन, तू तड़ा क्या होता, अपने बड़ों से आप करके बोलते हैं। तेरे को तमीज है? मैं अभी हाथ उठ जाएगा, मैं तेरे को मुझ पे हाथ उठाएगा तो तेरे रैप्टे मार के ना अभी सीधा कर दूंगी, यही पे समझ मतलब आएगी। जब मैं मिला था जब तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा मैं बच्चा करके मैं सिर पे चढ़ा दिया, यही मेरी गलती थी। बच्ची नहीं हूँ ना, बच्ची नहीं हूँ। अच्छा तेरे को कौन है बच्ची? नहीं मेरे लिए बच्ची है, तेरे पापा ने मेरी अपनी जिम्मेदारी ना तेरी मेरे को दी थी। हाँ अच्छा अच्छा नहीं अच्छा इतना मैं अपना समझ के जब से ना आप कर रहा था, मुझे नहीं पता था। बैठ तो ले, बैठ तो हाँ मैं बैठ ही लेता हूँ, आजा तू पहले बैठ ही ले, कोई नहीं बैठ कपड़े उतारी घर पर, यही पे उतार रही हूँ ना कपड़े, टेंशन मत ले, यही पे, तू तो यही चाह रहा है ना? मैं ये नहीं चाह रहा, मैं कह रहा घर पे उतार, घर पे क्या करेगी उतार के, तू तो कह ही यही पे रहना कि यही पे उतारने, मतलब यही ड्रामे दिखाने हैं यहाँ पे, क्या मेरे को डर नहीं है यहाँ पे, क्या ड्रामे करने हैं तो ये कपड़े यहाँ क्यों उतार, तो बैठ ना फिर। अरे तू ही तो बोल रहा था करेगी कुछ, बैठ ना अब, मतलब मेरी इच्छा यही पूरी कर देगी। अरे यार कपड़े पे हाथ, कैमरा लगा हुआ है सामने, और अब हाथ मत लगा दियो, हिडन कैमरा, वहाँ कैमरा लग रखा है और सब देख रहे हैं तेरे को, ठीक है? और अब 100 नंबर पे फोन करूंगी, यूट्यूब पे चैनल है जवन के नाम से, एक मिनट आगे समझ। अच्छा 100 नंबर चाटा और ले तू, 100 नंबर और तेरे जैसे लोगों के लिए 6 चाटे लगने चाहिए, समझ आ गई? हाथ मैं भी उठा सकता हूँ, मैं शर्म कर रहा हूँ, लड़कियों को छेड़ता है स्कूल में, गाली करता है, मतलब स्कूल में ये गाली, तेरे तो घूसे लात सब घूसे बोलते हैं, मार मार के आधा कर देना चाहिए, यहां ड्रामे नहीं दिखाना चाहता मैं, हां तेरे को मार मार के आधा कर देना चाहिए, तू बोले तू हाथ उठाएगा क्या मुझ पे, तू पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी ना, सब तेरी बातें की नहीं है मेरी बात, मासूम लड़के या पार्क में घूम नहीं सकती, यहाँ पे अपना वॉक करने नहीं आ सकती, सेफ नहीं है तेरी वजह से, अपनी इच्छा को नहीं जी सकता, मेरी इच्छा है मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, तो मैं कमाता हूँ अपने ऐशो आराम खुद करता हूँ, उड़ाता हूँ। अच्छा तेरे बाप का क्या ले रहा हूँ? मेरे बाप का तू, अब तू बहुत कुछ लेगा, तू टेंशन मत ले, अभी तक मैं दिखाऊंगा ना अपने औकात में, दिखा दिखा दिखा, तूने कौन सी कसर छोड़ी, उतार दे कपड़े, सामने कैमरा लगा हुआ है, सब देख रहे तेरे को यहाँ पे, समझ आ गई? और बच्ची नहीं हूँ मैं, कैमरा लगा ठीक है, 100 नंबर के बोलना कैमरा, इसको बात कर आपस में, बात नॉर्मल कर लेते ना, बात ज्यादा बढ़ाने से कुछ होगा? अच्छा नॉर्मल तेरे से बात कर लूंगा, तेरे तो मुंह ही ना लूंगा मैं, तेरे घटिया आदमी की बात खत्म करेगी नहीं, नहीं मैं तेरे लिए 100 नंबर पे फोन मिलाऊंगी भाई, एक बार फोन लिया मेरा, दुनिया देखेगी ना सही समझेगी, एक बार फोन रुक तो जा, कैमरा चालू रखियो, कैमरा चालू रखियो, फोन लेके आ रही हूं मैं, फोन लेके आ तू 100 नंबर पे फोन लगा रहा है ना, अब बात कर रहा हूं ना दूर से, तो फिर बात भी नहीं करेगी, दूर होके बात कर पहले, तो मैं दूर से ही कर रहा था जब से तू बात कर, हाँ। तो मैं अपना समझ के ले जा रहा था अपने घर, एक मिनट हाथ, मतलब आप तेरे को पता चलेगा मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब करने में
कैसी सजा मिलती है जिंदगी भर जाएगा ना मेरी तो इच्छा है मैं पैसा कमाऊं अपनी मर्जी से जीऊं अपना घूमूं फिरूं क्लबों में जाऊं बस अभी ना सारी थाने आज तक किसी ने मना नहीं किया तू ही देखिए पहली लड़की तू नखरे कर रही है मैं लड़की नहीं हूं ना तेरे को मैं गलत टक्कर गई कहां से लड़की नहीं है स्कूल की ड्रेस में अपना आदमी तो मैं बहुतों को छोड़ा मैंने ऐसे पर अपने साथ घर पे भी ले गया आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं करी चुपचाप जाते खुश होकर जाती है तू बैठ या तेरे 100 नंबर पे लगाऊंगी ना फोन रुक तो जा मैटर को यहीं खत्म करना कहां वाला खत्म नहीं होगा YouTube पे वीडियो जाएगी मिस धवन के नाम से चैनल है सब देखेंगे तेरी असली औकात और यहां पे सुन सुन यहाँ आज तो बैठा दिख गया आज के बाद नहीं दिखेगा थाने में दिखेगा बहुत रेपुटेशन है बिल्कुल तेरी रेपुटेशन है उसको बात को ही खत्म करना है लड़की को छेड़ता है तेरी रेपुटेशन है मैं तेरे को यार कह रहा हूं प्यार से मान जाना तेरी वजह से लड़कियां सारे हम घूम नहीं सकती गाली दे रही अभी गाली मतलब तू वीडियो बना के मुझे मतलब ब्लैकमेल कर रही है तुझे एक्सपोज कर रही हूँ और सरेआम तो इसको बंद करना वैसे बात करना 30 लाख लोगों के सामने तुझे एक्सपोज कर रही हूँ मेरी बात सुन कुछ नहीं है सब देख लो मैं तेरे को घर नहीं छोड़ अपनी बच्चियों को सेफ रखो ऐसे जैसे कुछ हैवान भी इस दुनिया में घूम रहे हैं जो मासूम लड़कियों को घूमने नहीं देते और उनकी जिंदगी तबाह अच्छा सुन मैं नहीं जानता तेरा क्या नाम है जो बंद करवा दे वीडियो रुक तो जा वीडियो बंद करवा दे तेरे को रुक